हेलो फ्रेंड्स, अवध ग्लो ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं फोल्डर का आइकन पिक्चर में चेंज करना। तो ये ऐसे, यदि हम एक फोल्डर लेते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका आइकन जो है वो किसी पिक्चर के रूप में करना, जैसे हम यहाँ से एक वॉलपेपर ले रहे हैं और बैकग्राउंड में यहाँ से ऑल फाइल, और हम चाहते हैं एक इमेज को लगाना जैसे इस इमेज को लगाना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यदि हमें किसी फोल्डर का आइकन पिक्चर के रूप में लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम उस वॉलपेपर को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट कर लेते हैं। इससे ये पेंट प्रोग्राम में ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे रिसाइज, होम टैब के रिसाइज कमांड पर क्लिक करते हैं और इसको पिक्सल में सेलेक्ट करके 250 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओके, और इसको हम सेव एज करते हैं। सेव एज कर रहे हैं डेस्कटॉप पर, और जो सेव एज टाइप रहेगा वो है 256 कलर बिट मैप PNG, और इसको सेव कर देते हैं। ओके, फाइल सेव हो गई है। आप देखेंगे डेस्कटॉप पर एक फाइल आ गई है। अब फिर से हम इस फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं, कस्टमाइज में आते हैं, चेंज आइकन, ब्राउज, और यहाँ से डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके ऑल फाइल, और अपनी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। देखिए यहाँ फाइल आ गया है। ओके, अप्लाई और ओके। तो देखिए जो आपका फोल्डर है उसका आइकन पिक्चर रूप में सेव हो गया है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।